हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं जो आपको स्टडी कराने वाला हूं वो है पेज लेआउट में अरेंज ग्रुप। जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल्स में पैराग्राफ ग्रुप्स को क्लियर किया था, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है पोजिशन। आप देखो, ये ऑप्शन जो है वर्क नहीं कर रहा है, डिजेबल है। तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अरेंज ग्रुप जनरली ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो आपके चूंकि पेजेस पे कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो पहले मैं कुछ ना ऑब्जेक्ट लेके आता हूं। सपोज मैं क्लिप आर्ट से कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ओके, गो, एंड देन जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, ओके, अभी देखो पोजीशन बड़े अच्छे से वर्क कर रहा है। पोजीशंस का काम क्या है, जैसे मैं पेज की साइज को थोड़ी डिक्रीज कर देता हूं, ओके, एंड देन देखो पोजीशंस पे ये इंडिकेट कर रहा है पोजीशंस टॉप लेफ्ट साइड, ये इंडिकेट कर रहा है पोजीशन टॉप सेंटर साइज, ये इंडिकेट कर रहा है पोजीशन टॉप राइट साइड, ये मिडिल में। तो अब अगर आप यहां पे तो अभी लाइव प्रीव्यू शो कर रहा है, बट अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दो, देखो ये सेट हो जाएगा, हो गया ना सेट। तो इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे टॉप सेंटर साइज में रखता हूं। नेक्स्ट है वर्ड रैप। अभी देखो वर्ड रैप कैसे काम करता है। वर्ड रैप क्या होता है कि मान के चलो अभी ये स्क्वायर बना रहा है ना, क्लिक करो, ये स्क्वायर चूज है, ये स्क्वायर बना रहा है, मतलब ये जहां भी जा रहा है ये पूरी पैराग्राफ्स को एज ए स्क्वायर कन्वर्ट कर रहा है। देखो ये चारों ओर स्क्वायर बन रहा है। टाइट ऑप्शंस, ये टाइटली फिट हो जा रहा है ना इस ऑप्शंस में। नाउ नेक्स्ट ऑप्शंस देखो, तो इस तरह से बहुत सा ऑप्शंस है। एक है टॉप बॉटम साइज, बिहाइंड टेक्स्ट, अगर आप इसे टेक्स्ट के बिहाइंड मतलब इसको पीछे आप कर देना चाहते हो टेक्स्ट के पीछे, तो ये देखो बिहाइंड टेक्स्ट हो गया, है ना, तो ये मेंटेन हमारा हो गया। तो ये ऑप्शंस ऐसे वर्क करता है। फिलहाल मैं इसे फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट ले लेता हूं, तो मैं बिहाइंड टेक्स्ट को डिजेबल कर दूंगा, ओके, और यहां से मैं स्क्वायर ऑप्शंस को चूज कर लूंगा। ज्यादातर केसेस में स्क्वायर ऑप्शंस ही यूज होता है इस तरह के काम के लिए। नेक्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। चलो इसके लिए मैं एक ऐसा करता हूँ, कुछ इमेजेस अपने पेजेस पे इंसर्ट करता हूँ, तो थोड़ी साइज में इंक्रीज कर देता हूँ, ओके। नाउ इंसर्ट से मैं कुछ शेप्स को, जैसे मैंने ये ओवल शेप लिया, ओके, मैं यहाँ से एक स्क्वायर लेता हूँ, राउंडेड स्क्वायर, इसकी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कलर शो कर रहे हैं तो आप कोई भी कलर ले सकते हो। फिलहाल मैं इसकी ये ग्रीन कलर रखता हूँ, ओके। नाउ नेक्स्ट मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ और ट्रायंगल को मैं करता हूँ स्क्रीन पे ड्रॉ और इसकी कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। अभी देखो हमारे पास तीन शेप्स अवेलेबल है, ओवल है, स्क्वायर है एंड ट्रायंगल है। सो अगर मुझे मैं भी यूज करना, मुझे क्या यूज करना है पेज लेआउट में, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड ये सबसे पीछे है ना, सर्कल सबसे पीछे है, मुझे इसको अब फॉरवर्ड मतलब आगे लाना है, बस क्लिक करो ब्रिंग फॉरवर्ड पे, वन स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड, मतलब ये एक स्टेप आगे आ रहा है। सेम प्रोसेस में सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ओके। अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर चूज करो, ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर मुझे इसे सबसे पीछे लेके जाना है सेंड बैकवर्ड, वन स्टेप बैक, ओके, तो ये आगे पीछे हो रहा है बड़े अच्छे से। नाउ नेक्स्ट है सिलेक्शन पेन, इस पर क्लिक करो। आपने जितना भी इमेजेस पेजेस पे लिया हुआ है, इस पेजेस पे जो भी इमेजेस है वो आपको दिखा रहा है। आपने आइसोसेलिस ट्रायंगल लिया है, आपने ओवल लिया है, आपने राउंडेड रेक्टेंगल लिया है, ओके ना, तो मुझे मान के चलो जिसको भी सिलेक्ट करना है आइसोसेलिस ट्रायंगल को, तो देखो ट्रायंगल सेलेक्ट हो रहा है, ओवल के लिए ओवल सेलेक्ट हो रहा है, गोल वाले को ओवल बोलते हैं, एंड रेक्टेंगल रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है, ओके। किसी को हाइड करना है तो ये जो आंख वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करो, हाइड हो जाएगा। ओवल हाइड करना है, हाइड हो गया। आइसोसेलिस ट्रायंगल हाइड हो गया। लाना है तो शो ऑल कर दो, छिपाना है तो हाइड ऑल कर दो, बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं शो ऑल कर देता हूँ, चलो मेरा इसका काम क्लियर है। नेक्स्ट है अलाइन। अलाइन सेम प्रोसेस में काम करता है जैसा आपने पोजिशन पे वर्क किया था। ये पोजिशन एंड अलाइन दोनों में डिफरेंसेस बस थोड़ा सा क्या है,
थोड़ा सा डिफरेंसेस दोनों में यही है कि पोजीशन आपको लाइव प्रीव्यू दिखा रहा था। देखो ये आपको लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है, जो भी आपका घटना घट रहा है उसकी लाइव प्रीव्यू ये आपको दिखा रहा है। बट अलाइन में ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखो अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम, अलाइन मिडिल, देखो डायरेक्टली ये लाइव प्रीव्यू नहीं दिखाया। जब आप क्लिक करोगे तो ये एग्जैक्ट काम कर जाएगा। नेक्स्ट है ग्रुप। चलो ग्रुप को मैं देखता हूँ ये कैसे काम करता है। तो थोड़ी साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ पीस का ग्रुप। अभी देखो ये अलग अलग पिक्चर्स है, ओवल अलग है, ट्रायंगल अलग है, रेक्टेंगल अलग है। मुझे तीनों को एक ग्रुप बनाना है। सपोज मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज है कि मैं अगर क्लिक करूँ तो तीनों एट वन टाइम सिलेक्ट हो जाए। तो आप क्या करो, कंट्रोल प्रेस करो और कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, देन ओवल पे भी क्लिक करना है, देन ट्रायंगल पे भी क्लिक करना है। तीनों सिलेक्ट हो गया, अब मुझे इसे ग्रुप बनाना है। क्लिक करो, यहां से ग्रुप पे क्लिक कर दो। अब आप क्लिक करो बाहर, ठीक है। सो अभी आप बाहर क्लिक करो, अब क्लिक करो, देखो तीनों एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। बाहर क्लिक करो, ओवल पे क्लिक करोगे तो तीनों सिलेक्ट होगा, ट्रायंगल पे क्लिक करोगे, रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे तो तीनों सिलेक्ट होगा, है ना। ये सिलेक्ट तो हो रहा है, देखो सिलेक्ट हो रहा है, बट इससे कोई मतलब नहीं बन रहा। साइज इंक्रीज करोगे तीनों पे जाएगा, है ना। अगर इसे आपको अनग्रुप करना है तो फिर से पेज लेआउट में आओ, ग्रुप पे आओ, अनग्रुप कर लो, तीनों अलग, तीनों अलग हो गया। नेक्स्ट है रोटेट। आपको अगर करना है रोटेट तो चलो मैं इसे रोटेट करता हूँ, इस एफिल टावर वाले डिजाइन को। रोटेट, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, जैसा आपको डिजाइन चाहिए। तो मैं रोटेट कर रहा हूं, देखो है ना, नॉर्मल कर दिया, फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकल फ्लिप हो गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। तो बेसिकली ये ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट भी इसे आप ले सकते हो। यहां पे देखो, यहाँ पे ना ग्रीन वाला ऑप्शन शो कर रहा था, बाय डिफॉल्ट इसे रोटेट करना चाहते हो तो आप रोटेट कर सकते हो। देखो बाय डिफॉल्ट भी ये रोटेट हो रहा है ना। तो जनरली इस तरह से आप अरेंज ग्रुप्स का वर्क कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको इस वाले ग्रुप्स का पूरा वर्क क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई इश्यूज़ है तो कमेंट सेक्शंस में लिखो, मैं इसको कंप्लीट ट्राई करूँगा कि आपकी ये पूरी इश्यूज़ को सही कर सकूँ। थैंक यू।